हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माय सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है नाइटिंगल्स, और इसका ऑलरेडी मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहाँ से जा करके टैप करके आसानी से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा आपसे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। चलिए दोस्तों, समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। इसका पहला जो स्टंजा मैं आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि रॉबर्ट ब्रिजेज बुलबुल पक्षी से पूछने तुम लोग कहाँ से आती हो, ठीक है, वो पर्वत कहाँ, उन पर्वतों का नाम बता दो, वो जल धाराएँ जहाँ से तुमने अपना गीत सीखा है। तो वो बुलबुल पक्षी जो हैं वो जवाब देती हैं, आंसर देती हैं इसको, रॉबर्ट ब्रिजेज को कहती हैं ने बैरन आर दोज माउंटेन्स एंड स्पेंड द स्ट्रीम्स, नहीं, जहाँ से हम आते हैं वहाँ के जो पर्वत हैं बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, एंड स्पेंड द स्ट्रीम्स, और वहाँ की जो जल धाराएँ वो बिल्कुल सूख चुकी हैं। आवर सॉन्ग इज़ द वॉइस ऑफ आवर डिज़ायर, हमारी जो गीत है वो हमारी इच्छा की पुकार है, दैट हंट्स आवर ड्रीम्स, जो हमारे सपनों में घूमती रहती है, और थ्रो ऑफ द हार्ट, ये जो हमारी गीत है वो हमारे दिल का एक दर्द है, एक दुख है, हुज पाइनिंग विजन्स डीम फॉरबिडन होज प्राउंड प्रोफाउंड, जिसकी दृश्यावलियाँ जो हैं हमारी आशाओं को धूमिल कर देती है। हमारा जो ये गीत है ये हमारे दिल का एक दर्द है, जिसकी दृश्यावलियाँ हमारी आशाओं को धूमिल कर देती हैं। नो डाइम कैडेंस नार लॉन्ग साई कैन फाउंड कैन साउंड फॉर ऑल आवर अर्ट, और हमारे पास जितना भी कौशल है, हमारे सभी कौशल, ठीक है, हमारे सभी संपूर्ण कौशल हमारे गीत और उसके दुख दर्द को लंबे समय तक बयां नहीं कर सकता। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसका अगला जो पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।